छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा किसानों से किए गए वादों के साथ घोषणा पत्र में अंकित विषयों पर दोबारा पढ़ विधानसभा में किए गए वादों को पूरा करने कलेक्ट्रेट पहुंच गुहार लगाई। विधानसभा चुनाव के दौरान वर्तमान सरकार द्वारा किसानों से वादे किए गए थे, जिनमें से कई वादे सरकार द्वारा पूरे भी किए गए, लेकिन घोषणा पत्र में शामिल आज भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सरकार द्वारा अब तक पूरा नहीं किया गया है। जैसे 2 वर्ष का बोनस, चना गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीदी, पेंशन योजना जैसे वादों के साथ और भी कई वादे हैं जिन्हें पूरा नहीं किया गया। इसे लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में किसान राज्य सरकार से घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे और गुहार लगाई। साथ ही किसानों ने ये मांग करी है कि किसानों से किए गए वादों को सरकार जल्द ही पूरा करे। इस संबंध में न्यूज टीम को शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बाकी मुद्दों में जो चुनावी वायदा है जो पूरा नहीं हुआ है, चना गेहूँ का खरीदी करना, 2 साल का बकाया बोनस देना, किसानों को पेंशन देना, ये तमाम मुद्दे तो अपनी जगह है। बघेल की सरकार यहाँ सीधे सीधे झूठ और फरेब का सहारा ले रही है। अभी ये सरकार दावा करती है कि हम किसानों का धान 2640 रुपये के भाव से खरीद रहे हैं, ये सरासर झूठ और मक्कारी है। राज्य की सरकार 2040 रुपये के भाव से जो केंद्रीय न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसी में खरीद रही है। किसान न्याय योजना का 9000 एकड़ का प्रति कुंटल 600 रुपये जोड़ करके इसमें बता रही है कि हम 2640 में धान खरीद रहे हैं, ये सरासर झूठ है। किसान न्याय योजना की 9000 की राशि ये धान की अंतर की राशि नहीं है। राज्य सरकार ने वादा किया था हम 2500 रुपये कुंटल में धान खरीदेंगे, ये वादा इन्होंने आज तक पूरा नहीं किया है। 1 साल इन्होंने अंतर का राशि दिया जरूर, मगर बाकी अभी तक 2500 के दर से धान की खरीदी राज्य सरकार ने नहीं किया है। किसान न्याय योजना की राशि जो है वो सिर्फ धान उत्पादक किसानों को नहीं मिलता है, वो सब्जी वालों को, अन्य उत्पादन करने वालों किसानों को भी मिलता है। तो ये जो न्याय योजना की राशि को धान खरीदी में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में जोड़ के 2640 का दावा कर रहे हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो 2500 रुपये धान का अलग दर में खरीदी करे और न्याय योजना का पैसा इससे अलग रखे। 33 जिलों में 5 जिलों की बिजली कटती, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बेमेतरा और बालोद। ये बड़ी शर्म की बात है कि पूरे देश में, मतलब आखिर किसान जो पैदा करता है वो आम जनता के लिए पैदा करता है और उसमें भी इस तरह की असमानता, ये बहुत ही मतलब जो है निंदनीय है। सरकार का जो कृत्य है वो किसानों के हित में नहीं है। किसान की सरकार भले वो कहती है अपने आप को, लेकिन किसानों का नहीं, ये कॉरपोरेट का सरकार है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि बिजली के मामले में समानता हो और सरकार ने जो किया वादा है, अपना घोषणा पत्र है, उसको अमल करें। उन्हें दाना खरीदने की बात कहा था, चने गेहूँ के समर्थन मूल्य की बात कहा था, न्याय योजना की बात कहा था, लेकिन आज भी वो जो है लागू नहीं है। तो ये सरकार की खामियां हैं जिसको हम लोग बताने भी आए हैं और उनको उनके खिलाफ बोलने भी आए हैं। ग्रेनेसियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।